गाइस नमस्कार आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। टुडे आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द स्टूडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टैंडर्ड 12th, द स्टूडेंट ऑफ कर्नाटका स्टैंडर्ड 12th एंड द स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु ऑफ स्टैंडर्ड 12th। बेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम कैंसल्ड फॉर दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है और उनके मार्किंग स्कीम की जो पूरी स्कीम प्रक्रिया होगी उसे एक वीक के अंदर में स्पष्ट करने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। वेस्ट बंगाल में 10वीं कक्षा 7.5 लाख से भी ज्यादा छात्र रजिस्टर्ड है और 12वीं कक्षा में 10 लाख छात्र रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर के 17.5 लाख छात्रों को यह जस्टिस मिला है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। लाइकवाइज आई वुड लाइक टू ऑल्सो कंग्रेचुलेट एंड मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर द एग्जामिनेशन हैज बीन कैंसल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो यू आर ऑल्सो वेरी लकी, माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड द स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका हु इज रियली अ वेरी वेरी लकी in this pandemic situation government of Karnataka has decided to cancel the standard 12th examination. My good wishes to all the students of Karnataka and best of luck for your great vision. And last, my students of Tamil Nadu, I would like to congratulate and motivate all the students of Tamil Nadu who is very lucky the government of Tamil Nadu has decided to cancelled the examination of standard 12th due to pandemic situation in the country. So today there is also a very important news. The student of NIOS also decided to promote without exemption and the standard 12th examination has been cancelled. So these states and NIOS board is acting very well and running on the pattern of Prime Minister Modi who has cancelled the exemption CBSE, and the marking scheme of these states should be on the basis of class 10, class 11 and class 12. Aap sabhi chhatron ko meri taraf se bahut bahut badhai, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में परीक्षा में उपस्थित होना कतई संभव नहीं था और सरकार ने, कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, वेस्ट बंगाल ने, प्रदेश ने अपने सभी छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए आपकी परीक्षा को रद्द किया, इसलिए मैं वहां की सरकारों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो गाइस हो यू आर वेरी लकी, आप अपना रोड मैप ऑफ सक्सेस तैयार करें, बेहतर से बेहतर विजन तैयार करें, बड़े लक्ष्य की ओर जाएं और देश और प्रदेश के लिए बेहतर से बेहतर काम करें, यही मेरी शुभकामना है। मैं अपने सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक भी कुछ ऐसे बोर्ड हैं, आसाम बोर्ड, त्रिपुरा बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, जिन्होंने अभी कैंसिल नहीं किया है। छात्र काफी परेशान हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो छात्र लाभान्वित हो चुके हैं या जिनके बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि #cancelAssamBoard, #cancelTripuraBoard, #cancelAndhraPradeshBoard के लिए आप ट्वीट करें। लगातार ट्वीट करने से सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बोर्ड के कैंसिलेशन के लिए जो अभी PL दर्ज की गई है उसकी सुनवाई यथाशीघ्र होनी है, इसलिए हर हाल में आप अपने हौसला को बुलंद रखें। पूरे भारत के सारे बोर्ड को कैंसिल किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। माई गुड विशेस टू ऑल माई स्टूडेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।